हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरजे स्टॉक्स पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टॉक मार्केट की एकदम लेटेस्ट खबरें। तो दोस्तों आइए जानते हैं अपनी सबसे पहली खबर जो है स्टॉक मार्केट के बारे में। तो दोस्तों जून का महीना जो है वो अब तक निवेशकों का पैसा डुबाने वाला साबित हुआ है। सेंसेक्स इस महीने के 9 ट्रेडिंग डे में 2800 अंकों से ज़्यादा टूट गया है। इस दौरान सेंसेक्स का जो 31 मई को रिकॉर्ड था 55,566 के लेवल पर जो था वो अब 13 जून को 32,735 तक कमज़ोर हो गया है। जून महीने में 9 कारोबारी दिनों में बाजार 7 दिन कमज़ोर दिखा है। फिलहाल इस महीने की गिरावट में निवेशकों को भी करीब 11 लाख करोड़ का झटका लगा है। जहां तक आज की बात है, सेंसेक्स में 1450 अंकों से ज़्यादा की गिरावट है, जबकि निफ्टी भी 15,800 के नीचे फिसल गया है। तो दोस्तों आज की दूसरी खबर है वो LIC के बारे में है। LIC के शेयरों में आज यानी 13 जून को फिर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आज शेयर में लगातार 10वें दिन भी गिरावट देखने को मिली है और यह टूटकर 682 रुपए के भाव पर आ गया है। शुक्रवार को शेयर 710 रुपए पर बंद हुआ था। शेयर में लिस्टिंग के बाद से ही गिरावट बनी हुई है और यह रोज रिकॉर्ड लो बना रहा है। अब शेयर अपने इशू प्राइस यानी IPO के भाव से 28% कमजोर होकर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट की और ऐसी खबरें जानने के लिए हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।